नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बीते वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा था कि आप देश भर के जजों के लिए एक आदेश जारी करें कि वो बेवजह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को परेशान ना करें, मतलब उन्हें कोर्ट रूम में आने के लिए बाध्य ना करें। एक ऐसा आदेश जारी करने के लिए जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने प्रस्ताव रखा या फिर केंद्र सरकार के फरमान को सुनाया, तो उस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि केंद्र सरकार मुझे ना सिखाए कि जुडिशरी को कैसे चलाना है। अगर इसमें कुछ करना भी है, वो हम एक एसओपी जारी करेंगे, लेकिन वो आपके कहने से और कैसा होगा, क्योंकि इन लोगों ने पॉइंटर्स बना कर दिए थे कि किस तरीके से आप जिला अधिकारियों को कोर्ट रूम में बुलाएंगे और किस तरीके से नहीं बुलाएंगे। तो सीजेआई साहब ने कहा था कि भाई हम जो है अपने हिसाब से करेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। उस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी तेवर में रहा करते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने एक एसओपी जारी किया और वो एसओपी कहीं ना कहीं कई जजों के हाथों को बांधने जैसा था कि वो कई सारे गंभीर मामले हों या फिर कोई भी ऐसा मामला हो जहां पर ऐसा लग रहा था कि जिला अधिकारी हूं या फिर सेक्रेटरी हूं, चीफ सेक्रेटरी हूं या कोई और अफसर हो, वो मनमानी कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का डर रहता था कि कटघरे में उन्हें भी खड़ा रहना पड़ेगा और जज साहब जब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा। लेकिन सीजेआई साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप उन्हें बुलाएंगे, अन्यथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर जो है किसी और माध्यम से आप उनसे संपर्क साध सकेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब इसको जो जिला अधिकारी हैं या अन्य राज्य सरकार के अफसर हों या केंद्र सरकार के अफसर हों, मनमाने ढंग से लेने लगे हैं। उन्हें जब हाई कोर्ट के जस्टिस भी बुलावा भेजते हैं तब भी वो आना उचित नहीं समझते। लिहाजा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब जस्टिस अहलुवालिया काफी भड़क गए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि अब आप भी अपना असिस्टेंट भेजने लगे हो और ये आकर कोर्ट रूम में चिट्ठी लहरा रहे हैं, मतलब कलेक्टर अपने मन की करेंगे और न्यायपालिका कुछ ना करे। यह विवाद तब गहराया जब एक केस में जो हाईकोर्ट का आदेश था उसके उलट जाकर जिला अधिकारी ने, तहसीलदारों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनसे कहा था कि आपको अब कोर्ट रूम में आना पड़ेगा और सफाई देनी पड़ेगी कि आपने हमारे आदेश की अवहेलना कैसे की है। उन्हें बुलावा भेजा तो जिला अधिकारी मैडम जो है वो आने के लिए कहीं कि मैं बहुत व्यस्त चल रही हूं, मुझे कोर्ट में आने का टाइम अभी नहीं है। वो मेला ऑर्गेनाइज करवा रही थी, इस वजह से व्यस्तता थी उनकी। अब यहां पर जो पूरे प्रोसीडिंग्स को हम आपके सामने रखेंगे तो आप भी तय कीजिएगा कि कहां कौन सही और कौन गलत। जज साहब अपनी जगह सही या जिला अधिकारी मैडम अपनी जगह सही, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का एसओपी है उसके अनुसार देखें तो जिला अधिकारी अपनी जगह सही। तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में जज साहब की नाराजगी ने यह बातें साफ कर दी हैं कि अब जो राज्य के अफसर हैं वो शायद मनमानेपन पर उतर आए हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई बाल भी बांका, खास करके कोर्ट तो नहीं ही कर सकता है, नहीं तो जजों ने कई अफसरों के होश ठिकाने लगाए हैं जो मनमानी करते रहे थे। कोर्ट रूम में ऐसे अफसरों की गिरफ्तारी भी हुई है, खड़े खड़े अरेस्ट करवा दिया गया है, यह सब कुछ भी हुआ था। खैर, यह जो मामला है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को एक मामले की सुनवाई के दौरान ना सिर्फ कड़ी फटकार लगाई है बल्कि एडीएम डीके सिंह पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि इनके लिए सब कुछ कलेक्टर साहब हो गए, कलेक्टर के नाम की चिट्ठी लेकर आते हैं और कोर्ट में लहराते हैं। तो यह मामला कहीं ना कहीं जज साहब के गुस्से को दिखा रहा था। अब क्या कैसे बातें आगे बढ़ी, विवाद जमीन से जुड़ा हुआ था जहां पर कोर्ट ने कहा था नामांतरण करने के लिए, लेकिन कलेक्टर साहिबा जो हैं ये अब नामांतरण की जगह बंटवारे पर, डिवीजन पर फोकस कर बैठे, जिसके चलते जज साहब मामले को समझ ही नहीं पाए और उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में आइए और मुझे भी समझाइए कि मेरे आदेश कैसे गलत हैं और आपने जो काम करना शुरू किया है वो कैसे सही है।
कहा जा रहा है कि दरअसल हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया मीणा को हाजिर होने को कहा था, लेकिन कलेक्टर ने खुद आने की बजाय एडीएम के हाथों सीधे हाईकोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी और इससे जज साहब नाराज हो गए और उन्होंने जमकर डीके सिंह की क्लास लगा दी, जो एडीएम है, अपर जिला कलेक्टर जिसे कह सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी बात सरकारी वकील के जरिए ही कोर्ट में रख सकता है, इस तरह सीधे जज को चिट्ठी नहीं भेज सकता। कोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर के इस रवैये पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। अब इससे यह मामला बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कलेक्टर मैडम को अब कटघरे में खड़ा भी होना पड़ेगा और हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल जाए तो इनके ऊपर मामला भी बन जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर इन्हें राहत मिलेगी, यही उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा कि आखिर क्यों निर्देश के बावजूद कलेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर पर कार्रवाई को लेकर आदेश सुरक्षित रखा है, कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई इन पर हो सकती है, अब कार्रवाई की तलवार इन पर लटकने लगी है। जस्टिस अहलूवालिया इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने भरे कोर्ट रूम में डीएम और एडीएम को जमकर खड़ी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा कि मजाक बनाकर रखा है क्या। जस्टिस अहलूवालिया ने कलेक्टर की तरफ से लेटर लेकर आए एडीएम पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा एडिशनल कलेक्टर हैं तो उसे लगता था कि मेरी कलेक्टर है ये तो कुछ भी कर सकती हैं, मजाक बनाकर रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर की तरफ से बात कर रहा है और वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का लेटर दिखा रहा है। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि सीधे सस्पेंड करने के निर्देश देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे सीएस उसे रिमूव करते हैं। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आप कुछ नहीं समझते। एडीएम समझते हैं कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया तो सब कुछ हो गया। जो ये जिलाधिकारी मैडम हैं, यह बताती हैं कि वो तो किसी और काम में व्यस्त थीं, इस वजह से उन्होंने अपने जूनियर को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए भेज दिया, वो भी चिट्ठी लिखकर। है विवाद, देखिए कहां से कहां पहुंचा। पूरा मामला अब हम आपके सामने रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल नर्मदापुरम में रहने वाले प्रदीप अग्रवाल और नितिन अग्रवाल का जमीन को लेकर विवाद था। विवाद नहीं सुलझा तो इसे लेकर प्रदीप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने नामांतरण की प्रक्रिया नए सिरे से करने का आदेश दिया था कि अब आप नेम चेंज करवाएंगे, जैसे दाखिल खारिज की बात होती है, दरअसल यही दाखिल खारिज की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। लेकिन जब आदेश आया तो फिर यहाँ जिला स्तर पर खेल होना शुरू हो गया। वही खेल जो है फिर से हाईकोर्ट की ओर मजबूरन में याचिकाकर्ता को जाने पर मजबूर किया, जो पीड़ित थे। कहा जा रहा है कि आदेश के बाद जब वापस जमीन नामांतरण का केस नर्मदापुरम गया तो वहां पर नामांतरण की कार्यवाही न कर सिवनी मालवा तहसीलदार ने दूसरे पक्ष नितिन अग्रवाल से बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि इसमें नामांतरण करना है न कि डिवीजन, बंटवारा नहीं करना था, यहां पर सिर्फ दाखिल और खारिज करना था। कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ जो पक्षकार प्रदीप अग्रवाल हैं उन्होंने रिवीजन आवेदन कलेक्टर के सामने रखा। कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ पक्षकार प्रदीप अग्रवाल ने रिवीजन आवेदन अपर कलेक्टर को सौंपा और बताया कि तहसीलदार की यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसे सुधारा जाए। अपर कलेक्टर ने भी तहसीलदार की कार्यवाही को सही ठहराया और कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन हो रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जब बंटवारे की बात नहीं की तो इन लोगों ने बंटवारे करके हाईकोर्ट के आदेश का तो उल्लंघन ही किया, जिसके चलते ही हाईकोर्ट नाराज हुआ और डीएम को कोर्ट में आने के लिए कहा था, लेकिन डीएम साहिबा कुछ व्यस्त चल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं मेला ऑर्गेनाइज करा रही थी। मैं दिखाता हूं आगे यह जानकारी दी गई है। कहा गया कि याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ गुलाटी ने कोर्ट को बताया
क्योंकि यह मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां पर याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ गुलाटी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश नामांतरण का था, जबकि तहसीलदार बंटवारा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई की और शुक्रवार को नर्मदापुरम कलेक्टर को उपस्थित होकर जमीन के मामले को लेकर हुई कार्यवाही समझाने को कहा था, लेकिन जो कलेक्टर साहिबा हैं वो आई ही नहीं, जिसके चलते जज साहब काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं इन पर कार्रवाई करूंगा और आदेश उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर कोई बड़ा फैसला अगर आता है तो जिलाधिकारी मुश्किल में पड़ सकती हैं। लेकिन इस मामले में जब उनसे सफाई मांगी गई तो कलेक्टर बोली कि मैं मेला की व्यवस्था देख रही थी। कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा, नागद्वारी की तैयारी के लिए जा रहे कर्मचारियों की जिप्सी दो दिन पहले खाई में गिरी थी और धूपगढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। 1 अगस्त से मेला और नागद्वार यात्रा शुरू होगी, इसलिए मेले की व्यवस्था देखने के लिए पचमढ़ी में हूँ। एडीएम और तहसीलदार को हमने हाईकोर्ट भेजा था, कोर्ट ने क्या कहा है ये मैं एडीएम से बात करने के बाद ही बता पाऊंगी। अब यहाँ पर आप देखिए इनकी मजबूरी कितनी जायज, कोर्ट ने जो कहा वो कितना जायज, कोर्ट ने जब उन्हें बुलाया था वो तारीख कब से दी गई थी। तो क्या डीएम साहिबा ने मैनेजमेंट के नाम पर खुद के ही स्केड्यूल को गड़बड़ कर लिया, तमाम ऐसे सवाल हैं। दूसरी तरफ ये कि सुप्रीम कोर्ट के एसओपी को देखें तो डीएम साहब का आना क्या इतना इम्पोर्टेंट था, या फिर जज साहब के आदेश का उल्लंघन होना यह भी जुडिशरी के अपमान की तरह है। तमाम पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है और आप भी कमेंट कर बताइए कि जज साहब गलत या जिलाधिकारी मैडम गलत, कौन सही कौन गलत, यह कमेंट करके निश्चित तौर पर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।